नमस्कार मत सहित अपूर्व जानुरी मसने नृत्यर दुई बीजेपी नेता कुलमणि बराला और दिव्य सिंह बराला मृत्यु पर हत्या पर आईन मंत्री प्रताप जेना 13 नंबर मुदाल भाव सामना को आसी कि परवर्त समय पुलिस चार्जसीट्रु ना काटि किंतु तापरे सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट पुणी थे राय देते तदंत परिसरभुक्त कराऊ आईआईसी अधिक तदंत करतु यहाँ मतर आज टॉपिक रही आईन जाल आईन मंत्री चार्जसीट दाखल बेले कौन पाई आईन मंत्री प्रताप जेना ना को चार्जसीट्रु काटि दिगला कौन पाई जे कि 13 नंबर मुदाल थे एवं कुलमणि बराला पुओ रमाकांत बराला लगातार भाव अभियोग आणुचे प्रताप जेना निर्देश ही हत्याकांड कर प्रताप जेना ही मुख्य कारपटदार मुख्य षड्यंत्री किंतु ता सत्वे पुलिस केवली परिस्थिति में चार्जसीट्रु प्रताप जेना ना काटिला ता ही बड़ प्रश्न एवं परवर्त समय सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट जहां सूचना देखते राय देते जे तदंत ठीक से कराई एवं सालेपुर आईआईसी तदंत को भलसे करूँ एवं आहरी अधिक तदंत आवश्यकता रही तमाम निर्देश आसवा पर बड़ प्रश्न जे पुलिस कहा चापरे चेपा होते कि अभोग रही बारंबार अभियुक्त तरफ कभोगी तरफ मंत्री प्रताप जेना संपृक्ति रही मंत्री प्रताप जेना निर्देश बिना यह हत्याकांड संभव नुहे ता सत्वे पुलिस केभली परिस्थिति में चार्जसीट्रु ना काटि दौर ता ही बड़ प्रश्न एवं जितेबाला तदंत चली चार्जसीट दाखल किंतु तदंतर जनक ना अभोग आसना को आसुची से 13 नंबर मुदाला मुख्य षड्यंत्री कहुच्छा सत्वे पुलिस ना काटि दे राज्य में पुलिस व्यवस्थार जो अव्यवस्था सामना को आसी पुलिस जो विश्वसनीयता हरा आहरी विश्वसनीयता हरबार आशंका प्रकाश पाँच गोटेपटे राज्य सरकार कौन जे पुलिस ता बाटे काम कर आईन ता बाटे काम कर किंतु आईन मंत्री को जे आईन परोक्षर सुरक्षा देवाक सालेपुर पुलिस यह घटना पर सामना को आसीचे के भावे सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट का राय पर घटना को सामना को आसी राय देखते पुणि थे तदंत आवश्यकता रही महांगा थाना आईआईसी यार पुणि थे तदंत करूँ बोली से स्पष्ट भाव राय देखते जे महांगा थाना आईआईसी कौन पर मंत्री प्रताप जेना प्रति एत सरल होते उदार होती जितेबाला जड़े अभोगकारी सीधासल कौन बारंबार कौन मंत्री संपृक्ति रही केमी और क्यों परिस्थित आईन मंत्री ना चार्जसीट्रु पुलिस काटुची ता ही बड़ प्रश्न एवं कहा निर्देश में चार्जसीट्रु पुलिस आईन मंत्री ना काटुची जे कि मुदाला नंबर 13 एवं किए दे आईन मंत्री प्रताप जेना सुरक्षा महंगा आईआईसी कहा निर्देश में कहा चापर चेपा हो चार्जसीट्रु मंत्री प्रताप जेना ना काटी ता बड़ प्रश्न सामना को आसतु राज्य पुलिस डीजी एवं उत्तर दिंतु जे केभली परिस्थिति रे केऊ आधार केऊ तदंत परे जणे मुदाला ना चार्जसीट्रु काटि दिया जाउछि एवं अभियोगकारी जहां बापा मृत्यु होहां बापा हत्या करा जाइछि से पुणी थे कोर्टर आश्रय ने तापर पुणी कोर्ट निर्देश देउछन्ती महांगा थाना आईआईसी तदंत आउ थरे करंतु तो यह आज राज्य बीजेपी पुणि थे सामना को आसी अभियुक्त तालिकार 13 नंबर या मुदाला आईन मंत्री प्रताप जेना कौन पर चार्जसीट्रु बाद दि जाइला एने राज्य पुलिस जवाब रखु डीजी जवाब रखुदू बोली बीजेपी तरफ आज विक्षोभ करमी भाव राज्य में आईन श्रृंखला विपर्यस्त हो जो मैंने मुख्य अभियुक्त से किभली पुलिस सुरक्षा देती बीजेपी आंदोलन करुच्ची रोशन रथ अच्छे प्रतिनिधि सीधा नहीं चलु अधिक सूचना रोशन बीजेपी आज आंदोलन क्यों रूप ने एवं खास कर आज आंदोलन में बीजेपी तरफ कौन दाबी रखा जा रोशन सुनी पार्टी आहरी भयंकर संकट ओडिशा रे देखा देवा तार लागि महंगा डबल मर्डर घटना रे सरकार घंटो घर रखि हत्या अभियुक्त मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार आमर दाबी ए प्लाकार्ड सहित आज राज्य बीजेपी सामना को आसी के परिस्थित रे 13 नंबर मुदाला मंत्री प्रताप जेना ना चार्जसीट्रु काटि दि जाऊँगी चापर पुलिस चेपा हो महांगा थाना आईआईसी घटनार ठिक तदंत करना करना जितेबले कि अगर जन मुख्य अभियुक्त मृत्यु हो सारी से प्रताप जेना संपृक्ति थी अभियोग आसुच्छे एभली परिस्थित किभली चार्जसीट्रु ना हटुच्छे ता बड़ प्रश्न रोशन आज बीजेपी आंदोलन रूपरेख के रही आज कौन दाबी करा बीजेपी तरफ निश्चित भाव
ପର୍ବ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ମହାଗାର ତାତି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏହି ତାତି ଆସୁଛି ରାଜଧାନୀରୁ ମହାଙ୍ଗାର ତାତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଟିଲା, କାହା ଚେପାରେ ପୋଲିସ ଚେପା ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତାପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର କଥା, ଆଇନ ନିଜ ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନାରା ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ପରିତାପର କଥା ହେଲା ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଯିଏ ମୁଦାଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେ ଏଇ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା ତାକୁ ମାରିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବା ଆବେଦନ କଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ଏବଂ ତାପରେ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ତା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କାଟିବା ନେଇକି ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି ସେହି ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ତ? ଏନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ ନା? ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଫ, ସାତ କୁନ୍ ମାଫ, ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ କପଲ ଅଫ ମନ୍ଥସ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେଟା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବିଫଳତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ କଥା ଆସୁଛି ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ୟୁ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏଥିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇମା ଫେସାଇ ବା ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ସୋ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କେସରେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି, ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବିଜେପିର ଏକ ବାଇଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଏଇ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମେ। ଜାଣିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ବିଭରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଦେହରୁ ହଟାଯିବ ସେ କେସ୍ରୁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କର ନାମ ରହିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନାମ ତା ଦେହରୁ ହଟିଗଲା।
दुर्भाग्यर विषय एठी सरकार चालू विभिन्न मंत्री खाली प्रताप जेना नुहे आपण माने सुनिथिबे निकट इयरे अलग मंत्री माने मध्ये कोठी ना कोठी हत्याकांड हो परिहत्याकांड हो अलग हत्याकांड हो कोठी ना कोठी सब मंत्री माने संपुक्त आज भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ राज रास्ता को ओल्लैचु एभली एक आईन मंत्री जी राज्यर आईन मंत्री आईन श्रृंखला आईन को लोक मानू आईन सहायता देवा कथा से निजे आज दोषी होती दोषी की माने तांकु भी घंट घोड़ाऊ सरकार तार प्रतिवाद रे युव मोर्चा आज गर्जुची राज रास्ता को ओल्लैसी मंत्री प्रताप जेना को तुरंत इस्तफा देवाई बाध्य करा जाओ नचे मंत्री पदर बहिष्कार करने आम दाबी करूछु ना ना ए आंदोलन तो जानुरी मसरु आरंभ है आगे विधानसभा अच्छी आम निश्चित भाव ए घटना गोटे खाली दुईज हत्याकांडर कथा नुह जड़े आईन मंत्री किभली भाव में आईन की उल्लंघन करुँचार तार नग्न उदाहरण देखा मिलूँ एभली घटना कौटि देखा मिले ना जड़े आईन मंत्री किभली भाव आईन के फांकुचंती सीधा सड़क भाव में लोक मारी सारापर एवं जो माने पूरा सीधा सड़क से मृत्यु संपुक्त मर्डर से संपुक्त परवर्ती अवस्था तांकू हत्या करा जाइतला एवं तांकू हत्या करा जाइतला आईन मंत्री जो फैक्ट्री अच्छी से फैक्ट्री सामने से कथा आपण माने समस्ते जानते यादव स्पष्ट प्रमाणित आईन मंत्री या देहरे कौटी ना कौटी पूरा भाव में संपुक्त एवं सरकार जो घंट घोड़ेला आज विभाग कोर्ट पूरा तंकर मुखा खोली देछि एवं तंकु से अधीन को आनिबा पई निर्देश देछि एणु भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा आज दाबी करूछि आईन मंत्री तुरंत इस्तफा दियंतु नचेत मुख्यमंत्री के आमे एठारे आंदोलन करके दाबी जणौछु तुरंत आईन मंत्री के बहिष्कार करा जाउ नचेत ए आंदोलन को आहुरी तीव्रतर करा जाउ पुलिस तो गोटे छोटिया माछ पुलिस ऊपर प्रेशर पड़ुछि थर्ड फ्लोर रु प्रेशर पड़ुछि गोटे मंत्री की रखिबा कि न रखिबे से पुलिस जी दायित्व नुह तार ऊपर ऑफिसर माने जो माने थर्ड फ्लोर में बसी से मानकर निर्देश ये काम हो कारण जे गोटे मर्डर केस रे से जी हो कहीं आपण माने देखिछंती विगत दिन में मुख्यमंत्री ठारु आरंभ कर विभिन्न मंत्री मर्डर केस जेरा केस किंतु ये एक आईन मंत्री जोटी पूरा खुलम खुला मर्डर कलापर तुम छाड़ी दि जाएगी केस रे ना रही ना तेणु भारतीय युव मोर्चा आज तलू को राज रास्ता को ओह्लैसी लोक सचेतन कराँ सरकार को सचेतन कराँची जदि या तुरंत कार्यानुषान न जाए ये आंदोलन को आहरी तीव्रतर करू और विधानसभा बेले जनईदेबु ये आंदोलन केत बाट जी तो बीजेपी रो वरिष्ठ नेता बाबू सिंह प्रतिक्रिया आपण शुणुते जेपर्यंत आईन मंत्री इस्तफा देना एवं तदंत परिसरभुक्त कराए ना से पर्यंत बीजेपी रो आंदोलन चालू रही जहाँकि जानुरी मसू चालू रही कहीं निजे जो न्यायपालिकार व्यवस्था थी लोक मैंने जापारती कि कौटी ना कौटी मंत्री संप्रति एचि ता बाद पुलिस भी पक्षपातिता रोचे जदि न्याय व्यवस्था लोक जापारे निजे सरकार केमी जापार ना लोकों मध्य गोटे चहल सृष्टि कर बर्तमान दिन में जदि जानुरी मसर एवं अगस्ट शेष होगा बसला से पुलिस जी कि काली तदंत कर नेता घोड़े आगु आज से पुलिस को दिया जाइछि काम कि से माने पूर्ण थरे तदंत करिवे जेकोणसी भी तथ्य को लिभेबा पई हटेबा पई बहुत कम समय लगी थाए एवं एतिकी छ मास भितरे सात मास भितरे केते जे तथ्य से माने लिभे सारथिबनी आमे चिंता भी करि परिबा नाही तेणु से जो आईआईसी को दिया जाइछि माननीय कोर्ट कहिछंती कि तदंत करिया पई तांकु हटा जाइकी जदि किछि नुवा लोक मानको अणा जाय जो माने पक्षपातिता करिवेनी सेइटा आमे इच्छा शक्ति जाहिर करूछु एवं आगु को केमिति युव मोर्चा रो सबु भाई भोणी माने केवल आमर दलर कर्मी से नुहंती ओडिसा रो साधारण जनता मध्य से थिले तांकु न्याय दबा पई आमे जेकोणसी स्तर को जीव डबल मर्डर घटना रे मंत्री प्रताप जेना को एपर्यंत कौन पाई तदंत परिसरभुक्त करा जाए ना एवं कहा निर्देश रे आईन मंत्री को सुरक्षा दिया जाउछि कहा चापरे पुलिस चेपा होची ताहा ही बड़ा प्रश्न विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित लगातार भाव अच्छा अधिक आलोचना करुँचुक्त चौधरी जानवाक चाहूँ जो पुलिस तदंत कर पारा ना चार्जसीट रु ना काटिला से ही पुलिस पुणी थे सानी तदंत जे ठीक भाव कर आशा कर देखो मान्यवर कोर्ट को पाखरे जो तथ्य प्रमाण दाखल करा जाइतला इनफॉर्मेंट को तरफ रु
बेस्ड ऑन दैट से निर्देश देखते पुलिस जो चार्जसीट काटी 13 नंबर अभियुक्त को पुलिस से गोटे कथा को मेंशन करी तीन टा कथा हमें कही परिबा गोटे होउची ता भितरु जे कोनोसी सीडीआर अर्थात कॉल किए कहारी पाखु करी नांती अर्थात 13 नंबर अभियुक्त ए आउ जो 12 जन अभियुक्त बा 13 जन अभियुक्त को भीतर थिले टोटल पर 14 जन मध्यरु कहा ताको पाखु को कोनोसी प्रकार मोबाइल लो कि कोनोसी फोन नु कॉल जाई नाही। सेकंड आछी सीडी केस डायरी रिपोर्ट अनुसारे कौनसी अभियुक्त माने तांको एगेनेस्ट रे पदेटिए कथा कहि नाती बा जो विटनेस जो मानको पुलिस नै छ विटनेस से माने मध्य 13 नंबर अभियुक्त को विषय रे कौनसी तथ्य दाखल देई नाती। ता छरा आउ गुटे कथा मध्य पुलिस जे उल्लेख करी छि जे जे इन्फॉर्मेंट अछंती सिए जो ताको थ्रेट दबा कथा मध्य कहितले से कथार मध्य कौनसी प्रमाण इन्फॉर्मेंट देई पारि नाहंती। यही तीन टा तथ्य पुलिस कोर्ट रे दाखल करे पुलिस ना को चार्जसीट रु हटे सो ये कथा उपरे माननीय सुप्रीम कोर्ट कर स्पष्ट निर्देश अच्छी कोर्ट विचार प्रक्रिया केमती निरपेक्ष हे दैट शुड बी एनश्योर्ड बाय द कोर्ट। पुलिस होची इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दाखल करबो कोर्ट रे जदी पुलिस पुलिस कते दिन इन्वेस्टिगेट करबो जनवरी रु घटना आस्ती कि अगस्त होलानी 8 मास पुरिबा को बसलानी ए पर्यंत सठिक ढंग रे तदंत करा जाई पारु नाही। पुलिस को कते दिन लागबो कि सठिक ढंग रे इन्वेस्टिगेट करबा पई तदंत करबा पई देखंतु हमर एठी राजनीतिक प्रेशर रे पुलिस अछि ए कथा काहा को अछपा नाही तेणु ये जो पुलिस उपरे जो अदृश्य हाथ प्रेसर जो पुलिस काम ठीक भाव में स्पष्ट कथा चौधरी जन वरिष्ठ आईनजीवी हिसाब से आपण आकलन कर पुलिस चेपा होने 8 मास पर प्रकृत हत्याकारी से पाखे पहुंची पारना कौन पर मुदाल नंबर 13 एपर्यंत तदंत परिसरभुक्त कर 8 मास घटना को घटना राज्य तमाम हईचे है प्रमुख विरोधी दल या लगातार भाव पुलिस डीजी सहित भेटी राजरास्ता को लाई किंतु ता सत्वे मध्य न्याय मिलबो नै तले साधारण लोके कहाँ पर विश्वास करिवे कहाँ को भरोसा करिवे। देखंतु आपण जा कहउछन मु आपण कथा एकमत राजनीतिक प्रेशर रो पुलिस की बाहर करबा पाई माननीय सुप्रीम कोर्ट एई मर्म रे गोटे निर्देशनामा जारी करथिले बहुत दिन पूर्वरु सेतरे स्पष्ट थिला इन्वेस्टिगेशन विंग की अलग करबा सेपरेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन नियोजित करिवा जो माने दक्ष ऑफिसर तांकर रेकॉर्ड्स थिवो सेमान को नियोजित करिवा ता छडा इन्वेस्टिगेशन को देमती सीबीआई रो इन्वेस्टिगेशन होची जो प्रोसेस रे से प्रोसेस रे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भली करि परिवो से कथा एनश्योर करिया पे राज्य सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन पूर्व निर्देश देइछ किंतु आमर ओडिसा रे ए कथाटा को आज पर्यंत इम्प्लीमेंट करा जाई परिला नाही से जा भी हो कोन पे इम्प्लीमेंट करा जाई पारु नाही ओडिसा को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश बाहरे देखो तो राजनीतिक इच्छा शक्ति रो अभाव पण पुलिस रो जो ऑफिसर माने रहिले से माने ताकर इंटरेस्ट परहैप्स नाही जे एभलिया कार्यक्रम को दुर्तगतिरे करबा पई से माने कालक्षेपण नीति ग्रहण करथई परंती सेति पई ए कार्यक्रम हेई पारु नाही किंतु एठारे कथा आछी आपण जो क्वेश्चन मते कले पुलिस ए केस ताकु जो रीइन्वेस्टिगेशन करिया पई डायरेक्शन दिया जाय छी ताकु सुचारू भाबे करि परिबो कि नाही। रोशन रथम प्रतिनिधि लगातार बे अछंती रोशन वर्तमान अपडेट कोन छ त कोन वर्तमान परिस्थिति देखंतु निश्चित भाबर अपूर्व वर्तमान रो चित्र आपण देखि पार्थुबे ए होची विधानसभा सम्मुख रो जो विधानसभा सम्मुख चित्र बीजेपी कर्मी एवं पुलिस भितर धस्तास्ती होची कारण विधानसभा पटे जीवाई वर्तमान बीजेपी कर्मी माने आग को माड़ी आसुच्च तेणु ब्यारिकेड लगे वर्तमान बंद कर दिया जाइछि रास्ता को सील कर दैछि एवं व्यापक पुलिस मुतयन होती किंतु जो अभियोग आसुच्छ जे विरोधी दल पक्षर जे मंत्री जेहेतु निजे आईन मंत्री अच्छा से सठिक भाव में तदंत परिचालना होना एवं जो पर्यंत जो अधिकारी पुलिस अधिकारी तदंत करते महांगार जे आई आई सी थे बदली कर जे नुआ पुलिस को निजुक्ति दरकार फल तदंत ठीक भाव में हो पार तेणु क्योंठना के ऊपर महल जो सब मंत्री माने अच्छा चाप जो ठीक भाव में तदंत हो पार्वली विरोधी अभियोग करजेपी एने सीधा सड़क भिजुआल देखिपे पुलिस और बीजेपी कर्मी भितर युव मोर्चार कर्मी भितर धस्ताधस्ती होती
ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାନଯାଏ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବେଳେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପୂର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡୁଅର୍ ଡାଇ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ବିଜେପି କୁହାଯାଇପାରେ। ଘଟଣାକୁ 8 ମାସ ପୁରିଛି, ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଡୁଅର୍ ଡାଇ କରିବୁ ବା ମରିବୁ ଏହି ନୀତି ଆପଣାଇଛି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ପକାଇ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଡେଇଁକି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବାଦ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ'ଣ କହିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାରୀ ଦାୟୀ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଚିତ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିରୋଧର ନାରା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ କହିବା ସହ ସବୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ, ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ 8 ମାସ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ହଟେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ, ଛାତ ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ପଟେ 8 ମାସ ବିତିଲାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ନୀତି ଆପଣାଇଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଇନର ଛାଟ ପରେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସୁଧୁରିବ ନା ସୁଧୁରିବନି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହଟେଇଥିଲା, ତାକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ, ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଫେୟାରଲି ନ ହବ, ଟ୍ରାଏଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହବ ଆର୍ଟିକଲ 19 and 21। ହାଜର କରାଯାଉଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏପରିକି ମୁଦାଲାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରପର ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହୋଇଛି ଏହା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏ ଘଟଣାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭାୟୋଲେସନ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ। ରୋଶନ ରଥ ଅଛି, ରୋଶନ ଅପଡେଟ କୁହନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ଟ୍ରେନ୍ରୁ, ଯେଉଁଠି ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବା ଆଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଏହି ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚାପ ହୋଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ? ଘଟଣାକୁ 8 ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି? ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର ନେତା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମହଙ୍ଗା ତାତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଅଛନ୍ତି, ରୋଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ ତ, ଅପଡେଟ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା
पुलिस उठे नौ विधानसभा लोअर पीएमजी सम्मुख अंपटे महिला मैंने जो मैंने रही रास्ता अड़बछी में जे मंत्री को प्रथम बहिष्कार करदन सठिक भाव में हो पार तेणु क्योंठना क्यों पुलिस और बीजेपी कर्मकर्ता बर्तमान धस्ताधस्ती परिस्थिति उपरी जो बीजेपी कर्मकर्ता मैंने बर्तमान आंदोलन करने सहित विधानसभा आड़ को यात्रा करते समस्त को बर्तमान पुलिस उठे नौ पुलिस गाड़ी चित्र आप देखिपे सीधा सड़क भिजुआल मध्यम जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह अच्छा जुव बीजेपी कर्मकर्ता मैंने अच्छा अन्य बीजेपी कर्मकर्ता मैंने अच्छा जिते विधानसभा सम्मुख को जाते ब्यारिकेड से विधानसभा आड़ को जीप चेष्टा करते समस्त को बर्तमान पुलिस लोअर पीएमजी उठे महांगा डबल मर्डर घटना रे बीजेपी हल्ला बोल राजधानी में देखा मिली महांगार ताति डबल मर्डर घटन एपर्यंत आईन मंत्री को कौन पर तदंत परिसरभुक्त कराए ना आईन मंत्री बहिष्कार दाबी करी बीजेपी बीजेपी वरिष्ठ नेता बाबू सिंह सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता कर्मकर्ता विधानसभा अभिमुखे आगु को बढ़ुता बेले पुलिस से उठे आनी वर्तमान देवर चित्र जहाँ आम आप पहुंचाऊ से बड़े आईन मंत्री को किए सुरक्षा देउची कहा चापरे पुलिस सिपाही सुरक्षा देउची एवं जेएमएफसी कोर्ट सालेपुर का राय परे जे घटना को नहीं से असंतोष प्रकाश करिसेंती पुणी थे महांगा आईआईसी को निर्देश दि जा तदंत करने प्रताप जेना सुरक्षा किए दे थर्ड फ्लोर सुरक्षा देखा पचर आउ किए रही ही नहीं बड़ प्रश्न एवं द्वितीय जहाँ सामना को आसूची जे जानुरी मसरे डबल मर्डर घटला या बारंबार राज्य पुलिस को भेटी बीजेपी वरिष्ठ नेता भेटी राज्य पुलिस मुखिया मध्य प्रतिश्रुति देते जो मैंने मुख्य अभियुक्त यथाशीघ्र से गिरफ्त कर तदंत परिसरभुक्त किंतु 13 नंबर मुदारा प्रताप जेना ना चार्जसीट्रु के उपाय कटि पुलिस क्या चापर वशवर्ती ना काटिता ता ही बड़ प्रश्न मुदारा नंबर 13 कटा पचर किए अच्छी थर्ड फ्लोर कौन निर्देश आसी ना अदृश्य शक्तिर चापर चेपा होता पुलिस ना प्रताप जेना जेहेतु मंत्री अच्छा जेहेतु आईन मंत्री अच्छा तेणु आईन को से निज अनुसार चलाउं ये बड़ प्रश्न सामना को आसी राज्य में पुलिस आईन श्रृंखला परिस्थिति केते विपर्यस्त ताहा बड़ प्रमाण जे घटना को 8 मास पूरला कि एपर्यंत 13 नंबर मुदाला तदंत परिसरभुक्त कराए ना बरम ना चार्जसीट्रु का दि जाए बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रतम प्रतिनिधि सीधासलख लोअर पीएमजी चित्र देखते किभली भाव बीजेपी आज हल्लाबोल करी सेपटे विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित अधिक आलोचना करते मत सामिल समय सारी मत को यही रखु नमस्कार।